नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। किसान भाइयों, मैं आपका मित्र रूम सिंह राजपूत आज की वीडियो में मैं आपके लिए बैंगन की खेती से संबंधित कुछ ज़रूरी जानकारियां दे रहा हूं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेंगे। तो जो किसान हमारे खेतीबाड़ी करते हैं और जो भी हमारे खासकर सब्जियों की खेती करते हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को आप देखें और पूरी वीडियो को देखें, जिससे कि आपको जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, आज एक किसान भाई के कहने पर हम उनके खेत पर विजिट करने गए थे और हमने वहाँ जाकर देखा कि उनके बैंगन की खेती में कुछ रोग दिखाई दे रहे हैं। तो रोग जो हैं, उसमें दो तीन प्रकार के रोग थे, उनके बारे में आपको दिखाऊंगा और इस वीडियो में आपके लिए पूरी जानकारी भी दी जाएगी। इस खेत में एक तो सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खेत में कुछ गिडार लग रही है, तो गिडार की समस्या भी थी। दूसरा, इस खेत में अचानक से पत्तियाँ और उसके तने ऊपर से अचानक से टूट के गिर रहे हैं या कमज़ोर पड़ रहे हैं, इस प्रकार की समस्या खेत में देखने को मिल रही है। तीसरी सबसे बड़ी समस्या इसमें ये थी कि पत्तियों का छोटा होना, ये इसमें रोग देखने को मिल रहा था, जिसके लिए हम लीफ कर्ल भी बोलते हैं। लीफ कर्ल क्योंकि ये खास तौर से आपका मिर्च में और टमाटर में भी देखने को मिलता है, लेकिन बैंगन में इसकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये जो लीफ कर्ल की मैं बात कर रहा हूँ, यानी बैंगन की फसल में छोटी पत्ती का रोग, तो छोटी पत्ती का जो रोग है, ये एक माइकोप्लाज्मा जनित रोग है। माइकोप्लाज्मा जनित रोग होने के साथ साथ ये काफ़ी नुकसानदायक होता है और इस रोग से प्रभावित पौधे की जो पत्तियां हैं वो छोटी देखने को मिलती हैं। इसका जो लक्षण है वो ये होता है कि जो पत्तियां हैं वो छोटी एवं गुच्छेदार हो जाती हैं, और जब ये स्पष्ट स्थिति दिखाई देती है तो ऐसे में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उस पौधे पे पुष्पन नहीं होता है और उस पर फूल नहीं आता है। जब उस पर फूल नहीं आता है तो फल नहीं बनता है और हमारा जो पौधा है वो कमज़ोर रह जाता है। साधारण पौधों से उसकी जो आकृति है वो भी कम रह जाती है, फल बनता भी है तो काफ़ी छोटा रह जाता है, और इसमें ये जो इसका प्रभाव है ये काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अगर इसको समय पे इसका उपचार ना किया जाए तो फिर ये फैलता है और भी ज़्यादा पौधों पर इसकी देखने को स्थिति मिल जाती है। तो इसका सबसे अच्छा रोकथाम ये है कि जो प्रभावित पौधे हैं उन पौधों को उखाड़कर जला देना चाहिए, जिससे कि अन्य पौधे प्रभावित ना हों। जो ज़्यादा प्रभावित पौधे हैं उनके लिए उखाड़कर और नष्ट कर देना चाहिए। इसकी रोकथाम करने के लिए हम समय पर इस खेत में हम टेट्रासाइक्लिन दवा लगा सकते हैं, जिससे कि काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है। 1 ग्राम टेट्रासाइक्लिन, इसके लिए आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन नाम से ये आपको बाज़ार में मिल जाती है, तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से इसका घोल बनाकर, और अगर हम इसका स्प्रे करते हैं तो काफ़ी इससे फ़ायदा देखने को मिलता है। किसान भाइयों, इसकी रोकथाम करने के लिए आपके लिए मैं क्लियर बता देता हूँ, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और आपके लिए 3 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेनी होती है, और आप साथ में एक थायोफिनाइड मिथाइल 70% आती है, वेटेबल पाउडर होता है, उसके लिए आप ले लें। आप इन तीन चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनाकर अगर अपनी फसल पर इसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक आप इस रोग को कंट्रोल कर पाएंगे। किसान भाइयों, इस खेत में आपके लिए गुच्छेदार पत्तियों के साथ साथ इसमें पीलापन भी देखने को मिल रहा है, तो जो पीलापन है इसकी रोकथाम करने के लिए हमारे लिए जो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है, थायोफिनाइड मिथाइल है और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन तीन चीज़ों का अगर कॉम्बिनेशन करके अगर हम लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलता है और आप अपने बैंगन की खेती से इन रोगों के लिए कंट्रोल कर सकते हैं। किसान साथियों, जो गिडार हैं, गिडार की समस्या भी इस खेत में काफ़ी देखने को मिल रही है और बैंगन में ज़्यादातर आती है। गिडार में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि जो कीड़ा होता है, यानी जो गिडार होती है, वो प्रभावित पौधों पर अपना मलमूत्र त्यागती है, जिसकी वजह से जो फल है, फल में सड़न की समस्या हो जाती है, क्योंकि पूरा फल इन्फेक्शन से भर जाता है और पूरा फल आपका ख़राब हो जाता है, तो फल में सड़न हो जाती है और ऐसे फलों को हम खाने के योग्य भी नहीं मान सकते, क्योंकि ऐसे फल को अगर हम खाते हैं तो कहीं ना कहीं हम भी बीमार पड़ सकते हैं।
तो जितना भी रोगी रोग से प्रभावित फल होता है या रोग से प्रभावित कोई भी सब्जी होती है उसको खाने से मानव में भी काफ़ी दिक्कत देखने को मिलती है। इसकी रोकथाम करने के लिए आप इंडो स्कार्ब ले सकते हैं। इंडो स्कार्ब अगर आप अपने खेत में लगाते हैं तो जो इसकी जो गिटार होती है, इस गिटार को मार देती है वो, और आपकी जो फसल है वो अच्छी हो जाती है। किसान भाइयों, IPM में अगर हम इसका उपचार करते हैं तो IPM में हमारे लिए एक एकड़ खेत में 10 से 12 फेरोमोन ट्रैप लगाने होते हैं, जिससे कि आपकी फल मक्खी के साथ साथ जो भी गिटार हैं वो उनके लिए काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी बीमारी या जो भी गिडार आपके खेत में आती है वो फल मक्खी के द्वारा ही आती है। फल मक्खी पहले आपके फल पे आके बैठती है और वो वहाँ पर अपना मल त्याग कर देती है और वहाँ पर अंडा दे देती है, फिर उसी से लार्वा बनता है और फिर आपके जो फसल है उसमें, फल में या पौधे में गिडार उससे प्रवेश कर जाती है। तो बेहतर होगा कि हम अपने खेत में या तो फिरोमोन ट्रैप लगाएं या फिर हम येलो स्टिकी ट्रैप लगा दें। येलो स्टिकी ट्रैप भी अगर लगा देते हैं तो उससे काफ़ी हद तक हमारे लिए फ़ायदा देखने को मिलता है कि हमारे खेतों में जो समस्या है गिडार की और फल मक्खी की वो देखने को नहीं मिलती है। तो ये सारी जानकारियां हैं, ये मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दी और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। किसान भाइयों, खेती की ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि हम आपको एक वीडियो में सारी जानकारी दे दें। तो जैसे जैसे हमारे सामने कोई भी समस्या हम देखते हैं उससे संबंधित वीडियो बनाकर हम आप लोगों के लिए देते हैं, और आप लोग वीडियो को देखा करें, एक के बाद एक आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारियाँ हम प्रदान करते रहेंगे, जिससे कि आपकी जो फसलें हैं वो आप अच्छे से कर पाएँ। जो किसान भाई अगर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख दें, जिससे कि हम आपके लिए ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बारे में अच्छे से बता पाएँ। क्योंकि मैं अगर ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट के बारे में बताता हूँ तब लोगों का कमेंट आता है कि आप केमिकल के बारे में बताएं, और ऑर्गेनिक के बारे में बताता हूँ तो ज़्यादातर लोग केमिकल के बारे में सुनना चाहते हैं। कभी कभी कुछ किसान भाई हमारे ये कमेंट करते हैं कि आप हमेशा केमिकल के बारे में बता दें, तो ऐसा कुछ नहीं है। ऑर्गेनिक में भी बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं, अच्छी खासी विधियाँ हैं, तो उनके बारे में ही मैं आपको बता सकता हूँ। पर आपको जैसी जानकारी चाहिए, जिससे संबंधित आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट में दे सकते हैं, जिससे कि मैं आपके लिए उससे संबंधित वीडियो आपको बनाकर दे सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सभी से अनुरोध है कि आप वीडियो को देखें। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।